गाजा पट्टी में दो दिन पहले हुए हादसे में मारे गए 31 लोगों के अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भारी भीड़ जुट गई। यह हादसा उत्तरी गाजा पट्टी के घनी आबादी वाले जाबालिया शरणार्थी शिविर में एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से हुआ था। फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई और उनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे, जिन्हें हजारों लोगों की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान कई लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसके बाद जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, लोगों का हुजूम निकल पड़ा। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन 21 लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। पंजाब के पठानकोट से एक सरकारी स्कूल की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें स्कूल पढ़ने आई छात्राएं मिड डे मील का खाना बनाती हुई नजर आई। स्कूल की ड्रेस पहने हुए 4 से 5 छात्राएं चूल्हे के पास बैठी हुई दिख रही हैं, जो रोटी बेल रही थी, जबकि उनके पास एक औरत चूल्हे के सामने बैठी नजर आ रही है, जो छात्राओं से रोटी लेकर उनको सेक रही थी। एक बड़ी सी ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रात में ज्यादा से ज्यादा आटा दिख रहा है, जिसे लेकर सभी छात्रा जमीन पर बैठकर रोटी बनाती हुई नजर आई, जबकि खाना बनाने वाली महिला उन रोटियों को आराम से कुर्सी पर बैठकर सेकती हुई नजर आई। हालांकि इस पूरे मामले पर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने बेतु की सफाई देते हुए कहा कि उनके पास खाना बनाने के लिए 3 वर्कर हैं, लेकिन उस दिन उनकी 2 वर्कर छुट्टी पर थी और 1 वर्कर बीमार होने की वजह से स्कूल आकर छुट्टी लेकर वापस जाना चाहती थी। इसी वजह से थोड़ी सी रोटियां बच्चों ने बनाई थी ताकि बीमार वर्कर की मदद हो सके।